जुगल मानचरित के रचनाकार कौन हैं? रचना है जुगल मानचरित, इसके रचनाकार का नाम बताना है कि कौन है इसके रचनाकार, तो इसके लिए राइट आंसर है कृष्णदास। जुगल मानचरित रचनाकार हैं कृष्णदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? तो राजस्थान से संबंधित जो कवि हैं वह हैं गोविंद स्वामी। अष्टछाप के कवि जो कि राजस्थान से संबंधित थे वे थे गोविंद स्वामी, अष्टछाप से संबंधित कवि। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? गोविंद स्वामी से रहा है, का रहा है। तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? तो तदीय समाज के जो संस्थापक थे वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहलाता है, कौन सा समय है जो कि ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहलाता है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी रीतिकाल। रीतिकाल को ब्रजभाषा का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय ब्रजभाषा में बहुत सारी रचनाएँ लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर है अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित जो हैं वह कुवलयानंद के रचनाकार हैं। अप्पय दीक्षित कुवलयानंद के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध है, तो सोनेट छंद के लिए कौन से कवि हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं? इसके लिए राइट आंसर त्रिलोचन शास्त्री है। जो त्रिलोचन शास्त्री हैं वह सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं, काव्य प्रकाश के रचनाकार का नाम आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी मम्मट। काव्य प्रकाश के जो रचनाकार हैं वह मम्मट हैं। अगला प्रश्न है, रीति को रीतिकात्मा काव्य से कहकर किसने पुकारा? रीति को रीतिरात्मा काव्य से कहकर किसने पुकारा है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन द है, जो है वामन। वामन ने रीति को रीतिरात्मा काव्य से कहकर पुकारा है वामन ने। अगला प्रश्न, ठीक है, तो यहीं पर आपकी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।